200 रुपए नु लेके चलियां तलवारां। जानकारी अनुसार हस्पताल विच जख्मी हालत च पे लवप्रीत सिंह ने दस्या कि उसके पिता का अमनदीप ते लाडी नाम के व्यक्ति नाल पैसों का लेन देन सी, जिसके चलदिया उसने अपने साथियों के नाल उन्हां दी गली विच आ के लवप्रीत अते उसके भरा ते तेजधार हथियारों नाल हमला कर दिता, जिस नाल कि वह बुरी तरह नाल जख्मी हो गया। कोरोना वायरस के कारण उसनू सिविल हस्पताल की जगह अमृतसर के प्राइवेट हस्पताल हरगुण हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। लवप्रीत जी, की मामला होया जी, ताडे नाल कुटमार हुई है, क्यों हुई है? इन्हों का ना मेरे पापा ना कोई रौला सी। किन्ना दा सी बाई नेम दसोगे? अमनदीप ते लाडी। अच्छा जी, ये दो लड़के सीगे, इन्हों का कोई रौला होया ना पापा ना। अच्छा, ते सानू नहीं पता सी। अच्छा, ये गल पे सीगे ते असी मोड़ ते खेड रहे सीगे। अच्छा, मतलब कि आम लिडो फोन ते ला के खेडदे हुंदे ना उदां खड़े सीगे असी, तो उधरों आ गए। अं पुछ लिया कहिंदा ना भाजी की गल हुई सी, तुसीं बजुर्ग बंदे ते गल पैने की गल हो गई है? कहिंदे तुसीं कहिंदा ना बदमाश हो, सानूं पुछदे आ, कहिंदे आपां इदां ही करदे हुंदे आ, तुसीं कौन होने पुछण वाले? साढ़े भी गल पै गए ते पिछों दे भरा ने ते डैडी ने आवाज़ दित्ती ते कि हथियार फड़ा के उन्हां नूं, कहिंदे कहिंदा नाम इन्हां नूं वड्डना ही आ चूड़ियां नूं। बस वो फिर कहिंदा नाम इस गलों मेरी बाँह वड्डी गई। हाँ जी, तुहाडे तों इलावा भी होर किसे नूं सट्टां लगियां जां तुहानूं ही लगियां? हाँ जी, मेरे ब्रदर नूं छोटे ने। अच्छा, ते तुसीं पुलिस कंप्लेंट कीती कोई? हाँ जी। ते पुलिस आई तुहाडे बयान लैण इत्थे? हाँ जी। ठीक है जी, ते हुण तुहाडी कंडीशन किदां दी? ठीक है। हल फिलहाल तो मतलब कि चलो हूँ मैं सारी उम्र लिए तो गया ही हाँ। जी तुम मंग की करते पुलिस तो परचा दर्ज हो राजीनामा करना? नहीं, आप सजा ही दवाना चाहते जी। सर किदन की घटना है सारी? ये 11 तरीक दी। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है कि? नहीं जी। ठीक है जी, सुनने से आया कोई पैसे के लेन देन करके होया सर? मैनू तो पता नहीं सी इन्ना, तो मतलब कि उही मैं तुहानूं दस रहा ना पापा ना ही कोई रौला सीगा। अच्छा, तो उहदे चक्कर च असीं पुछिया कि इहनां नूं तुसीं बजुर्ग बंदे दे गल तों कहिंदे आ। ठीक, तो इस बस इही गल सीगी। सर पता की आ, मुंडे साडे घर तों बाहर ही, मतलब इहनां दा घर थोड़ा जिहा अगे आ, मुंडा मेरा 5 आ वा, आपां ने घर तों थोड़ा जिहा अगले पासे उह खेड रहे सी, गेम खेड रहे सी दोवें भरा। उत्थे मुंडे आए आ, उन्होंने मुंडिया का थोड़ा भाजी के नाल थोड़ी कोई गलबात सी, सानू नहीं पता की गलबात सी। उस तो बाद उन्होंने मुंडिया जड़े गल पे सके, उन्होंने मुंडिया साडे मुंडिया ने उन्होंने लवप्रीत सिंह ने अमन सिंह ने अमनदीप ने उन्होंने पूछा कि मतलब तुम मेरे डैडी के गल क्यों पे हैं? तो उन्होंने कहा भी असं तो इवें गल पे हों, असं तो बदमाश हों। ठीक है, इन्हें गल लड़ाई इन्हें चपेड़ा चपेड़ी हो गई है। उन्होंने दो जने पिछू आए, उन्होंने तलवारा ना आ के इन्होंने 2-3 वार किए। छोटे मुंडे दे थोड़ी सट लगी है क्योंकि वोदिया लत्तां वड्डन लगा, छोटा मुंडा डिग गया, वड्डे मुंडे ने आके जो आई किया धौन पर वार होने लगा, जो उन्हें आई करता तो वो गुट से वो गुट वड्या गया, धौन पर भी वार होया, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका वा। पहले आपू सिविल होस्पिटल लैके गए हैं, सिविल होस्पिटल वाले ने सानू कहें भी मतलब इतने कोई डॉक्टर नहीं है, उन्होंने सानू रैफर गुरु नानक देव करता, गुरु नानक देव वाले ने रैफर किया, उन्होंने कहा भी इतने भी डॉक्टर नहीं है, नाड़ा वाले नाड़ा वड्डिया गई, हड्डी वड्डी गई। उन्होंने सानू कहा कि तुम इनू होस्पिटल चंडीगढ़ PGI लै जाओ, जे उन्होंने कहें 1 घंटे के इलाज शुरू ना होया तो वह कहें भी यदा हाथ वड्डना जा सकता वा तो यदि मौत भी हो सकती है। उस तो इलावा फिर असी सानू किसी ने सलाह दी कि हर गुण में डॉक्टर है, हर गुण लैके जाओ। भाजी तो मेरे हसबेंड दो चार मुंडे होर से, फिर वो फटाफट जाके इतने होस्पिटल इत इस हर गुण होस्पिटल लैके आए। इस वक्त तो हर गुण होस्पिटल दाखिल ऑपरेशन हो चुका वा, पर इस वक्त तो सानू पैसे तो ले दी, साड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सानू हेल्प की बहुत ज़्यादा लोड़ आ। साड़े को जो कुछ हैगा सी थोड़ा वाला वेच वट के असं ला चुके हैं, जिनी गंजैश असं ला चुके हैं, इस तों इलावा हुण साड़े को कुछ नहीं हैगा। हुण साड़ी वध तों वध नहीं सर, हले पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ जी, बयान लैके हुए आ, पर उस तों इलावा रिपोर्ट भी इतों पुलिस वालों चल गई, इतों डॉक्टर वालों रिपोर्ट भी लैके हुए आ, रिपोर्ट कोई नहीं, कोई हल नहीं होया, कोई कुछ नहीं होया। इस मामले बारे संबंधित अधिकारियों नाल जदों गलबात कीती तां उन्होंने कहा कि 2 बंदियां ते मामला दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तार किया सी, जिन्हां ने जमानत लै ली है, ते बाकी जदों हस्पताल तों रिपोर्ट आएगी तां जुर्म च वाधा करके आरोपियों खिलाफ़ बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर तों हनी मेहरा, जीवे पंजाब TV।